गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स फ्रॉम एमसीक्यू की सीरीज में 22 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में देखेंगे, देन बहरीन के बारे में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एयरशेड के बारे में देखेंगे, घर तक फाइबर स्कीम क्या है इसके बारे में जानेंगे, पर्ल रिवर एस्चुरी क्या है इसको देखेंगे, एक एमसीक्यू इंडो पैसिफिक हमबैक डॉल्फिन के बारे में है, ब्रह्मोस को डिस्कस करेंगे, स्किंक्स क्या होते हैं ये देखेंगे, स्लिनेक्स एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, एंड देन सी प्लेन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और अभी रिसेंटली जिन मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो स्पर्श ने, सीमा खान ने, शशि चौधरी ने, मेकू ताजू ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। शुरुआत करेंगे अपने वीडियो की एक कोटेशन के साथ। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। यूपीएससी के अंदर इस कोड को आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं? ये कोटेशन ऐड करने का रीजन ये था क्योंकि काफी सारे लोग प्रीलिम्स देके अभी आए हैं और उसके बाद मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि मोटिवेशन जो है वो नहीं आ पा रहा है एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करने का। अगर प्रीलिम्स दोबारा से करने हैं उसके लिए भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और अगर मेंस की तैयारी करनी है वहां पर भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्टार्ट करने के अंदर। तो यहां पे जो वॉल्ट डिज्नी ने सजेस्ट किया है वो यही है कि जो भी चीज आपको करनी है, चाहे मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं सो द बेस्ट वे इज आप उसके बारे में बात करना छोड़िए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, रादर स्टार्ट डूइंग। आप शुरुआत करिए, बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरुआत करिए। आप बुक खोलिए, उसकी एक लाइन पढ़िए और उसको बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे भी आप इस तरीके की चीज कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ पढ़िए और फिर बुक बंद कर दीजिए। नहीं मन कर रहा है, कम से कम एक लाइन तो आप पढ़ ही सकते हैं। सिमिलरली अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि इस बार प्रीलिम्स में मार्क्स आपके बहुत कम आए हैं इस वजह से मोटिवेशन नहीं है, तो कम से कम नेक्स्ट डे आप एक पैराग्राफ तो पढ़ ही सकते हैं। मैं आपको चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो आप एक लाइन से शुरुआत करिए। बिलीव मी, एक चेन रिएक्शन जो होगा इसे स्टार्ट हो जाएगा। जब आप एक लाइन पढ़ेंगे तो एक लाइन पर रुकेंगे नहीं, इस तरीके से जब आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ पर रुकेंगे नहीं, उसे कंटिन्यू ही रखेंगे, और धीरे धीरे जो आपकी एक जो रिदम हुआ करती थी प्रीलिम्स से पहले स्टडी की वो वापस लौट आएगी। तो इसके लिए आप इसके बारे में बात करना सबसे पहले बंद करिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप उसे करना शुरू करिए, चाहे एक लाइन से स्टार्ट करिए, जो चेन रिएक्शन है वो अपने आप आपको पुराने वाली रिदम के अंदर, जब आप एक दिन में काफी सारे चैप्टर्स को कवर किया करते थे, उस पर्टिकुलर मोड के अंदर आप अपने आप ही चले जाएंगे। अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, एक बुक, कोई भी आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी बुक खोलिए, उसमें से एक लाइन पढ़िए एंड देन बुक बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे आप यही चीज करिए, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और यही सोच के खोलिएगा बुक को कि आप एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, और फिर बुक बंद कर देंगे। और जब आप ये चीज करना शुरू करते हैं तो बिलीव मी, आपका जो पहले वाले स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे प्रिपरेशन के, आप उस मोड में एक दोबारा से 2021 के लिए जो एक प्रिपरेशन मोड होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। चलिए, यूपीएससी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्टली exam.netmock.com पर भी जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीलिम्स की सीरीज अक्टूबर में स्टार्ट इस वजह से ही करी गई है क्योंकि जून बस आने ही वाला है, ऐसे लगता है हमें कि अभी नेक्स्ट ईयर है, हमारे पास 6-7-8 महीने बचे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से 6-7-8 महीने बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से अगर शुरुआत से ही अगर हम जो मॉक टेस्ट है वो लगाना शुरू कर देते हैं तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक हमारी फाउंडेशन अच्छी क्रिएट हो जाएगी, एक स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बता देता हूं, यहां पे आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 अगर आपके करेक्ट होते हैं तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करी जा रही है। दो स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी आपके सामने प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है तो आप जो सही है या इनकरेक्ट जो भी चीज पूछिए उसको राउंड कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ये चीज आप भूले ना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट दिया होगा, और मैंने काफी बार देखा, मुझसे भी ये गलती होती थी कि जब करेक्ट दिया होता था तो कई बार दिमाग में इनकरेक्ट आता था और ऑप्शन हमारा जो मार्क होता था वो गलत हो जाता था। और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता था कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब करेक्ट पूछ रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन आया जिसने इनकरेक्ट पूछा, लेकिन क्योंकि अजम्पशन बनी हुई है कि अभी तक सब करेक्ट पूछे तो इसमें भी करेक्ट पूछा होगा, स्टेटमेंट में मैं देखता था कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, और उस हिसाब से मार्क कर देता था। लेकिन घर आके जब हम पूरे
आंसर्स को दोबारा से चेक करने की कोशिश करते तब पता चलता था कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट ही इनकरेक्ट थी, और क्वेश्चन को आते हुए भी ये क्वेश्चन मेरा मिस रीडिंग की वजह से, थोड़े से फोकस कम होने की वजह से गलत हो गया। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको अंडरलाइन करना, राउंड में डालना शुरू किया, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ध्यान रहे कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। आज की पहली सेक्शन को पढ़ते हैं। इट्स ऑब्जर्वेंस स्टार्टेड इन 1992 विद द अडॉप्शन ऑफ यूएन रेजोल्यूशन। तो किसकी बात करी जा रही है? इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन पॉवर्टी को ऑब्जर्व करना हमने 1992 से शुरू किया और यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इसे अडॉप्ट किया गया था। हो सकता है द थीम फॉर द ईयर 2020 इज एक्टिंग टूगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो इस साल का जो थीम है इरेडिकेशन पॉवर्टी इंटरनेशनल डे का, ये यहां पर बताया हुआ है। तो यहां पे आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए कि क्या आंसर हो सकता है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी पिछले कुछ दिनों से पॉवर्टी के ऊपर कुछ आर्टिकल्स अपीयर हो रहे थे, क्योंकि रिसेंटली ही हमने 17th of October को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है उसे ऑब्जर्व किया था। ये जो ऑब्जर्वेंस है हम 1992 से करें, बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, बेसिकली ये दिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका रीजन यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर हम अवेयरनेस फैला सके। जैसे हम एनवायरमेंटल डे जो है वो भी ऑब्जर्व करते हैं, अर्थ डे को ऑब्जर्व करते हैं, वाटर डे को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जैसे वाटर डे वाले दिन क्या होगा, वाटर डे जिस दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दिन अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पानी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे हमारे जो पूरी कंट्री है और साथ में पूरा वर्ल्ड है उसके पास पानी की कमी आगे आने वाले सालों में हो सकती है। तो लोगों को इस चीज के बारे में पता चले, इसी वजह से ये दिन जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉवर्टी के कंसर्निंग अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है 1992 से, और यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से ही इसे अडॉप्ट किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, हर बार क्या होता है, जब भी हम कोई ना कोई डे मनाते हैं उसका कोई थीम होता है। जैसे आपके यहां पर भी अगर कॉलेज में फेस्ट हुआ करते होंगे तो उसमें कोई ना कोई थीम होता होगा। तो वो थीम जो होता है वो उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस साल हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस एरिया के ऊपर है। जैसे कि इस बार का जो थीम है वो है एक्टिंग टूगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो सभी के लिए सोशल जस्टिस होना चाहिए और एनवायरमेंटल जस्टिस होना चाहिए, ये इस साल का थीम है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब यहां पे ये थीम बनाने का रीजन क्या है, और दोबारा से इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को लेकर क्यों इतना न्यूज में बार बार आर्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि ऐसा देखा गया है COVID-19 की वजह से 90% कंट्रीज जो है उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर रिडक्शन हुआ है। पर कैपिटा इनकम, जैसे मैं बात करूं कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कितनी है, तो यहां पे उसमें अगर डिक्लाइन आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और गरीबी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हुआ क्या, हम ये देख रहे थे कि कोशिश करी जा रही थी कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आया जाए, और इसकी तरफ काफी सारे एफर्ट्स भी हर साल किए जा रहे थे और सक्सेसफुली किए जा रहे थे। लेकिन COVID-19 के आने की वजह से मोर देन 115 मिलियन न्यू पुअर जो है वो यहां पे इंक्रीज हुए। हमने काफी सारे सालों से ये एक एफर्ट किया था पूरे वर्ल्ड ने कि जो गरीब है उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे से ऊपर लेके आया जाए, लेकिन COVID-19 की वजह से 115 मिलियन लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके थे वो वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। अब हमें और भी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी इसका बता दिया। इसके अलावा जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसकी, जो क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, तो आपको और भी नए फैक्ट्स इसके बारे में जानने को मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं। मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये फॉरेस्टेड एरिया ऐसे हैं जो कि वैसे भी काफी ज्यादा पुअर हैं और अभी रिसेंटली COVID-19 की वजह से और भी ज्यादा गरीबी जो है वो फैली है। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है लोकेशन ऑफ बहरीन के बारे में। बहरीन अभी न्यूज में था, और कोई भी करंट अफेयर्स अगर आपके न्यूज़पेपर में अपीयर होता है, राज्यसभा टीवी पे आप देखते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को इनॉग्रेट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट किसी चीज को इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बहरीन को लेकर न्यूज है तो हो सकता है मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आए, लेकिन बहरीन की लोकेशन जो है वो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली हुआ कि बहरीन एंड इसराइल ने एक जॉइंट कम्युनिके जो है उसे साइन किया है, ताकि डिप्लोमेटिक पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन जो है ये दोनों आपस में स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो स्टार्ट किया गया, जो कि अभी तक था नहीं, ठीक है। अब बहरीन क्योंकि न्यूज में है, इसराइल न्यूज में है, दोनों की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसराइल की लोकेशन के ऊपर यूपीएससी पहले काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ज्योग्राफिक रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहां पे बहरीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली सेक्शन कहती है इट्स अ पेनिनसुला, बहरीन जो है एक पेनिनसुला है। हो सकता है कतर पेनिनसुला लाइज टू द ईस्ट,
कतर पेनिनसुला इसके ईस्ट के अंदर है, सऊदी अरेबिया लाइज टू द वेस्ट, सऊदी अरेबिया इसके वेस्ट के अंदर है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, अगर मैं देखूं दिस इज द बहरीन, ठीक है, सऊदी अरेबिया क्या इसके वेस्ट में है, तो यस सऊदी अरेबिया इसके लाइज टू द वेस्ट, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। कतर, कतर क्या इसके ईस्ट में है, तो कतर इसके ईस्ट में, मैं आपको एक बार ये मैग्निफाई करके दिखाता हूं, तो यहां पे कतर इसके ईस्ट डायरेक्शन में है, दोनों स्टेटमेंट्स हो जाती हैं ठीक। लेकिन पहली स्टेटमेंट थी कि बहरीन इज अ पेनिनसुला, क्या बहरीन एक पेनिनसुला है? देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया का जो हम मैप बनाते हैं तो हम कहते हैं सदर्न पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी एक बॉडी अगर तीन तरफ से पानी से घिरी है, यहां पर भी वाटर है ईस्ट में, साउथ में भी इसके वाटर है और वेस्ट में भी वाटर है। अगर हम इस सदर्न पेनिनसुला की बात करें जहां पे हमारा केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका है, ठीक है, तो यहां पे तीनों तरफ से पानी से घिरी है, लेकिन चौथी तरफ से यहां पर क्या, ये तो हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर चाइना नेपाल जैसी कंट्रीज है। तो चारों तरफ से तो पानी से नहीं घिरा है, तीन तरफ से जब पानी से ये बॉडी घिरी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पेनिनसुला कहते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ पानी ही पानी होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो बन गया आर्किपेलाजो, ठीक है। तो यहां पे बहरीन क्या कोई पेनिनसुला है? नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो ये क्या हो गया, इट विल बिकम एन आर्किपेलाजो। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो ज्योग्राफी रिलेटेड ये क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर थ्री, एयरशेड के बारे में पूछा गया। एयरशेड को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है एन एयरशेड इज डिफाइंड एज ए रीजन इन विच एटमोस्फेयर शेयर्स कॉमन फीचर। तो एयरशेड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें एटमोस्फेयर होता है वो कॉमन फीचर्स को शेयर करता है। हो सकता है द कॉमन फीचर्स आर विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन कवर। कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, वो ग्रीन कवर के रिस्पेक्ट में होते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बात कही कि जो एयर पॉल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे एयरशेड जो एनसीआर रीजन है, यहाँ पे जो एयरशेड बना हुआ है उस पूरे रीजन की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर जब भी बेसिकली विंटर्स आते हैं तो हम ये ह्यू एंड क्राई मचाते हैं कि जो दिल्ली है वहां पे पॉल्यूशन बढ़ा है। तो सिर्फ दिल्ली में ही पॉल्यूशन नहीं बढ़ता, पूरे एनसीआर में बढ़ता है, और इस चीज को हमें एक बड़े लेवल पे उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैपिटल सिटी को फोकस करेंगे तो आसपास का जो रीजन है जिसमें पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, यूपी भी आता है, और कुछ एरिया आपका ऊपर उत्तराखंड का भी आता है, तो वो पूरे, इवन राजस्थान में भी अगर आप जाएंगे वहां के भी दो तीन डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो यहां पूरे रीजन के ऊपर आवाज उठानी चाहिए कि यहां पे जो एयर क्वालिटी लेवल है वो डिग्रेड हो रहा है। तो सिर्फ कैपिटल सिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, पूरे एनसीआर पे फोकस करना चाहिए, ऐसा यूनियन मिनिस्टर का कहना है। तो अभी रिसेंटली इसी चीज को लेकर एयरशेड के ऊपर बात हुई थी। एयरशेड बेसिकली एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जिसमें एटमोस्फेयर कॉमन फीचर्स शेयर करता है, और किसके रिस्पेक्ट में, डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स के कंसर्निंग। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, अब यहां पे ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, तो यहां पे जो पोल्यूटेंट्स है वो आप देख पा रहे होंगे कि उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है, और ये पूरा का पूरा रीजन ही इंपैक्ट हो रहा है। धीरे धीरे ये जो चीज है ये एक्सपेंड भी कर सकती है, और आसपास के और जो स्टेट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी, उसको भी अपने अंदर ले सकती है। तो पोल्यूशन जो होता है ये इस तरीके से एक्सपेंड करना शुरू करता है। तो यहां पर एयरशेड जो है उसके ऊपर फोकस दिया गया, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान देके चलेंगे तो पोल्यूशन को ना ही सिर्फ कैपिटल सिटी से, मतलब दिल्ली से हम कम कर पाएंगे, लेकिन एयर क्वालिटी आसपास के रीजन की भी हम इंप्रूव कर पाएंगे, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। तो एयरशेड इज डिफाइंड एज ए रीजन इन विच एटमोस्फेयर शेयर्स कॉमन फीचर। तो यस, इसमें क्या होता है, एटमोस्फेयर के कॉमन फीचर्स होते हैं। अगर एटमोस्फेयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो पूरे के पूरे एरिया के अंदर है, नहीं है तो नहीं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पे करेक्ट हो जाती है। कॉमन फीचर्स किस कंसर्निंग बात करी जा रही है, क्या ग्रीन कवर को लेके बात करी जा रही है? नहीं, शुरू से हम कह रहे हैं कि पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन जो होता है दैट इज द मेजर क्राइटेरिया जो कि बताता है अगर एक जगह पे पीएम 2.5 है तो उस एयरशेड के अंदर दूसरी जगह भी पीएम 2.5 है। चलिए कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली मैप पे मैंने आपको ये पहले ही दिखाया था। अब बात करते हैं विद रेफरेंस टू एयर पॉल्यूशन जो कि दिल्ली के पास है। तो गुड़गांव, फरीदाबाद सिटीज ऐसी ही हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है यूपी के अंदर, हरियाणा और फिर अलवर राजस्थान के अंदर। तो यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे अगर आप देखेंगे एयरशेड जो है वो सिमिलर रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम रहता है, सिमिलर रहता है, मिलता जुलता रहता है। एयर क्वालिटी अगर हम दिल्ली की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से, AQI के हिसाब से,
ये अभी पुअर कैटेगरी के अंदर है, और फोरकास्ट किया गया है यहां पर एज पर द फोरकास्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको पता है एक सफर करके सिस्टम है। सफर स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। द AQI इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द हायर एंड, मतलब जो पुअर अभी कैटेगरी में है ये इसी में ही रहेगा, इसके हायर एंड पे ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये वेरी पुअर भी हो सकता है इन द अपकमिंग डेज, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है और सफर के हिसाब से यही चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हुआ था तो यहां पे क्लीनेस्ट एयर जो थी वो दिल्ली के अंदर देखी गई थी, क्योंकि व्हीकल्स नहीं थे यहां पर, जो भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे वो भी रुके हुए थे, इस वजह से जो एयर क्वालिटी थी काफी इंप्रूव हो गई थी। लेकिन अब से जैसे लॉकडाउन जो है उसे हमने खत्म किया है, इस वजह से व्हीकल्स जो है दे आर कमिंग बैक ऑन द रोड्स, वापस वो सड़कों पे आ रहे हैं, और जो एयर क्वालिटी है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दी थी कि अगर दिल्ली को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो सकती है तो उसको ग्रैप मेजर्स लेने चाहिए। ग्रैप क्या था, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें ग्रेडेड फॉर्म के अंदर एक्शंस लिए जाते हैं। मतलब जब एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो रोक दिया जाता है, फिर अगर फिर भी एयर क्वालिटी फर्दर डिग्रेड होती है तो स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, तो ग्रेडेड फॉर्म में इसमें एक्शंस लिए जाते हैं। चलिए, तो इसके बारे में काफी जान लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि घर तक फाइबर स्कीम के बारे में है। पूछा गया है, घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो अभी किस स्टेट के अंदर से लॉन्च किया गया है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है घर तक फाइबर स्कीम, जो कि बिहार के अंदर इसे लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका एम क्या है, 46,000 विलेजेस जो हैं बिहार के अंदर उसको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से कनेक्टिविटी देना बाय 31st of March 2021। ठीक है, तो इसमें FTTH पे फोकस किया जा रहा है। FTTH क्या है, फाइबर टू द होम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि विलेजेस को कनेक्टिविटी दी जा सके, वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो क्रिएट करे जा सके, क्योंकि आपको पता है अभी जितनी भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की ज्यादातर अब वो ई मोड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज मिला करेगी तो अगर पंचायत के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो वहां के लोग जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसका लाभ उठा पाएंगे। स्कीम जो है इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मीटी इसे इंप्लीमेंट करने वाली है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो पर्ल रिवर एस्चुरी के बारे में बात कर रहा है। पूछ रहा है पर्ल रिवर एस्चुरी के बारे में, आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट इंक्लूड्स हांगकांग, मैकाओ एज वेल एज मेनलैंड चाइनीज सिटीज, तो ये जो पर्टिकुलर एस्चुरी है मेन जो चाइनीज सिटीज है हांगकांग है मकाओ है इसको भी इंक्लूड करती है। पर्ल रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। इट्स वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स ऑन अर्थ, तो ये दुनिया की सबसे बिजी जो शिपिंग लेन्स होती है उनमें से एक है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, चाइनीज पिंक डॉल्फिन्स जो हैं दे आर मेकिंग अ कमबैक इन पर्ल रिवर एस्चुरी, तो ये जो डॉल्फिन्स थी जिनकी संख्या काफी कम हो गई थी और एक तरीके से विलुप्त होने की कागार पे पहुंच गई थी, तो ये वापस से पर्ल रिवर एस्चुरी इंडो पैसिफिक हमबैक डॉल्फिन यहां पर देखी जा रही है। बेसिकली चाइनीज पिंक डॉल्फिन्स को ही इंडो पैसिफिक हमबैक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, इसे कुछ लोग चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन्स भी कहते हैं क्योंकि स्किन का कलर वो व्हाइटिश पिंकिश कलर का होता है, इस वजह से। तो तीन डिफरेंट नाम है, लोकेशन भी आपको पता चल गई, और यहां पे अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें क्या पर्ल रिवर एस्चुरी जो है इसमें हांगकांग मैकाओ और जो मेन सिटीज हैं वो इंक्लूड होती हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन में से एक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन तो ये जो पर्ल रिवर है ये फाइनली कहां पे जाकर गिरती है, कहां पे फ्लो करती है, तो बे ऑफ बंगाल में नहीं, बे ऑफ बंगाल में करती तो कहीं ना कहीं हमने इसके बारे में सुना होता, इट फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। पर्ल रिवर एस्चुरी जो है हांगकांग मैकाओ और मेनलैंड चाइनीज सिटीज को कवर करती है, जैसे कि शेंजेन है, गैंगजू है, ये मैं अभी आपको मैप पे दिखाने भी वाला हूं, और अराउंड 22 मिलियन पीपल जो है इसके आसपास रहते हैं। पर्ल रिवर डेल्टा भी ये बनाती है, लो लाइंग एरिया है, और डेल्टा रीजन में आपको पता है कि जो फिशिंग एक्टिविटीज है वो भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट रहती है, और दूसरे काम जो रिवर रिलेटेड रहते हैं वो भी यहां पर करे जा सकते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट और डेंसली
अनबैनिश्ड हेवली इंडस्ट्रियलाइज शिपिंग लेन्स में से ये एक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार लोकेशन देख लीजिए इसकी, पर्ल रिवर एश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो हमारा प्रीलिम्स का मेंस का जो प्रोग्राम है इसको आप exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है और साथ में ही आपको गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है और वेरियस जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है, जैसे स्पेक्ट्रम की एमसीक्यू सीरीज है, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज है, ये सब भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो इंडो पैसिफिक हमबैक डॉल्फिन के बारे में ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली को लेके क्वेश्चन था, न्यूज बनाई गई थी और इसी वजह से हमने पर्ल रिवर एस्चुरी जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है, जो आईयूसीएन स्टेटस है ये किसी पर्टिकुलर जीव का पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, अगर वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में मेंशन किया गया था। पीसीएस के लिए तो ये क्वेश्चन काफी फेवरेट होते हैं, इवन वो तो दो तीन साल पुराने अगर कोई भी जीव न्यूज में होता है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। यूपीएससी भी जो है कई बार जो करंट न्यूज से कंसर्निंग जीव होते हैं उनके ऊपर उनका आईयूसीएन स्टेटस पूछ लेता है, तो यहां पे इंडो पैसिफिक या फिर पिंक डॉल्फिन या कहीं से व्हाइट डॉल्फिन उसका स्टेटस पूछा है कि एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है या फिर वल्नरेबल है, सोचिए। चलिए तो यहां पे मैंने आपको इसका हैबिटेट भी बताया था, कहां पे जो रिवर है वो फ्लो करती है, सो द आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो वेरियस होता है यहाँ पे कैटेगरीज, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल है ये, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी इसमें होता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा गया, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत बताना है आपको। पहली कहती है इट इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ एंड एनपीओएम ऑफ रशिया, तो एक ज्वाइंट वेंचर है डीआरडीओ और एनपीओएम के बीच में, हो सकता है। इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी, तो मल्टी प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्या ऐसा है, क्या तीनों प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा इसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो रिसेंटली न्यूज में क्यों थी, क्योंकि अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ इंडियन मिसाइल है, जिसको हमने रशिया के साथ ही एक जॉइंट वेंचर करके बनाया था, पहली से अपने यहां पे करेक्ट हो जाती है। इसका जो नाम है वो भी ब्रह्मोस, जो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा रिवर, ब्रह्मपुत्र इंडिया की, मोस्कोवा रिवर रशिया की, इन दोनों के नाम को मिलाकर इस मिसाइल का नाम रखा गया ब्रह्मोस। इसका अभी रिसेंटली जो नेवी वाला वर्जन है, जिसको नेवल वर्जन कहा जाएगा ब्रह्मोस का, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है चेन्नई, आईएनएस चेन्नई से, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो अरेबियन सी में ये टेस्टिंग करी गई और सक्सेसफुली ये टेस्टिंग करी गई, इस वजह से अब हम कह सकते हैं कि लैंड एयर का वर्जन तो हमारे पास पहले भी था और सी का वर्जन जो है वो भी अब सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल, क्या दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है। और पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा तीनों प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है, तो मल्टी प्लेटफॉर्म वाली कैपेबिलिटी भी इसके पास है, बोथ डे एंड नाइट इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। साथ में ही ये ध्यान रखिएगा डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से और एनपीओएम रशिया से, उनके बीच का ये ज्वाइंट वेंचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट जो है स्किंक्स के बारे में बात करता है। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्किंक के ऊपर कुछ स्टडीज करी हैं, इस वजह से ये जो बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर जीव के ऊपर, या तो आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाता है चीजों का, या फिर उससे कंसर्निंग वेरियस स्टेटमेंट्स दी जाती है। तो यहाँ पे स्किंक्स को लेकर आपसे पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इंडिया इज होम टू लेस देन 4% ऑफ द स्किंक्स, तो यहां पे 4% से कम स्किंक्स जो है वो पाए जाते हैं। 62 स्पीसीज ऑफ स्किंक्स आर फाउंड इन इंडिया, तो 62 इसकी जो प्रजातियां हैं वो यहां पे पाई जाती हैं। साथ में ही दे हैव प्रोमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में उनका एक मुख्य रोल होता है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्किंक्स के ऊपर एक स्टडी करी है। स्किंक एक तरीके की लिजर्ड होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपने शायद देखी भी होगी घरों में ये कई बार। सो दिस इज स्किंक। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस, क्या 4% से कम स्किंक्स यहां पे पाए जाते हैं, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट हो जाती है। हमारे यहां पे स्किंक्स की 62 प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, 1602 टोटल स्पीसीज हैं वैसे अगर हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर।
और अगर 1602 का 4% निकालेंगे तो वहां पे यस 64 के आसपास आएगा, उससे भी कम यहां पे हमारे यहां पे पाई जाती है। एक तरीके की लिजर्ड होती है, लॉन्ग बॉडी होती है, लेग्स इसके अंदर स्मॉल और या फिर आप कहें कि ना के बराबर ही होती है, प्रोनाउंस नेक होती है, काफी लंबी होती है, होम्स के अंदर गैरेजेस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और वैसे बात करी जाए क्या ये वेनमनस होते हैं, क्या जहरीले होते हैं, तो नहीं, जो स्टिंग्स होते हैं जहरीले नहीं होते हैं, साथ में हाईली अलर्ट एजाइल होते हैं, ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इको सिस्टम को मेंटेन करने में। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। स्लिनेक्स 20 के बारे में है, पूछा गया स्लिनेक्स 20 के बारे में, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट को अंडरलाइन करिए, स्लिनेक्स को अंडरलाइन करिए और स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहली कहती है इट्स अ बाइनुअल नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये बाइनुअल एक्सरसाइज है, हो सकती है। द सेवंथ एडिशन ऑफ स्लिनेक्स वाज कंडक्टेड ऑफ विशाखापट्टनम इन सितंबर 2019, तो पिछले साल 2019 में सेवंथ एडिशन इसका किया गया था विशाखापट्टनम के अंदर, हो सकता है। इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये करी जाती है कंडक्ट। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, SLINR है और XR है, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 20 का मतलब यह है इसका जो अभी रिसेंटली 2020 का एडिशन है वो होने वाला है। बेसिकली अभी एक दिन पहले ही इसको फिनिश किया गया है, 21 को ही इसे कंप्लीट किया गया है, इस वजह से न्यूज में थी। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज जो है बिल्कुल सही इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, बट इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज, ये जो है एनुअल इंडिया श्रीलंका बायलेटरल नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये बायनुअल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, सेवंथ एडिशन लास्ट टाइम जिसका किया गया था क्या वो विशाखापट्टनम में किया गया था, तो यस लास्ट टाइम जो था वो विशाखापट्टनम में किया गया था, इस बार जो है वो किया गया त्रिकोणामली के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि प्लेसेस जो है लोकेशन चेंज करते रहते हैं, तो इस बार की जो लोकेशन है वो त्रिकोणामली है, लेकिन लास्ट टाइम विशाखापट्टनम थी, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया श्रीलंका के बीच में करी जाती है। ये तो काफी इजी स्टेटमेंट थी, आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, एक्सरसाइज को लेके क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किस किस कंट्री के बीच में होती है, लोकेशन पूछी जा सकती है, नेवल एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज है, एनुअली होती है या दो साल में एक बार होती है या साल में दो बार होती है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस एयरफोर्सेज की मैं आपको बता देता हूं, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड दे रखी है इसको आप अपने नोट्स में सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, पूछा गया फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन, पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट जो कंट्री का है वो कहां पे लॉन्च किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उत्तराखंड के अंदर, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, सोचिए। देखिए अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, सी प्लेन की जरूरत कहां पड़ेगी, क्या उत्तराखंड में इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं, ये ऐसी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी जहां पे आसपास सी हो, जहां पे आसपास कोस्टल रीजन हो, जैसे कि गुजरात हो सकता है, गोवा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। इस वजह से ए को तो आप इमीडिएटली ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, बिल्कुल अगर कॉमन सेंस के साथ पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही सॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि सी प्लेन की जरूरत उत्तराखंड में है नहीं, तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करते हैं न्यूज के बारे में, फर्स्ट ऑफ द फाइव सी प्लेन सर्विसेज जो गुजरात के अंदर लॉन्च करी जा रही है, जो कि साबरमती रिवर को कनेक्ट करेगी अहमदाबाद के साथ, उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा अक्टूबर 31 को, और वो भी कब, अक्टूबर 31 को, क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उस पावन दिन के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखा देता हूं, तो सी प्लेन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये गुजरात में किया जा रहा है, 15 करोड़ फॉर ईस्ट साइड का यह यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेशन लगाया गया है, तो जितनी भी साइट्स होंगी वहां पर 15 करोड़ ईच साइड के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा। जो एयरप्लेन इसके अंदर यूज किए जाएंगे 7 to 9 सीटर्स यहाँ पे यूज करने की बात करी जा रही है, तो आंसर तो सीधा हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि गुजरात के अंदर से स्टार्ट किया जा रहा है और यहां पे जो साबरमती रिवर है उसको नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां से इसको कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, एक कनेक्टिविटी जोन तो वो रहने वाला है। लोकेशन मैंने आपको मैप पे दिखाई थी जो एरियाज को कनेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे धरोई डैम है, साबरमती रिवर फ्रंट है, देन भावनगर है, सरदार सरोवर डैम है, इनको कनेक्ट किया जाएगा। साथ में ही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसने ये भी कहा है कि आप वेरियस अदर जो जगह है उनको भी देखिए कि कहां पे टूरिज्म जो है ये एविएशन टूरिज्म लाया जा सकता है, जैसे गुजरात के अंदर बात करी गई है, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर इवन अंडमान निकोबार के अंदर भी इस तरीके की जो पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म सेक्टर को लेकर, वो काफी ज्यादा है और आगे आने वाले टाइम में वहां पर भी ये सब चीजें लाई जा सकती हैं। गुजरात से इसकी शुरुआत करी गई है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, अब हम 2 मिनट के अंदर इसकी रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे।
सो हमने शुरुआत करी थी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में। 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन के द्वारा। इस बार को जो थीम है वो भी हमने दिया था, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं वो अवेयरनेस पर्पज के लिए किए जाते हैं, जैसे वाटर डे है, अर्थ डे है, एनवायरमेंट डे है, और इस तरीके से पॉवर्टी इरेडिकेशन डे है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था बहरीन की लोकेशन को लेकर, बहरीन न्यूज में था क्योंकि इसराइल के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसने साइन किया है, और जो भी कंट्री न्यूज में होती है कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। फिर हमने ये भी देखा था कि ये कोई पेनिनसुला नहीं है, दिस इज एन आर्किपेलाजो, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एयरशेड के बारे में। एयरशेड में कॉमन क्वालिटीज, कॉमन फीचर्स होते हैं अगर हम पॉलिटेंट्स की बात करते हैं तो ये मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाया था। कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरा एनसीआर रीजन है, क्योंकि यहां पे एयरशेड जो है वो पाया जाता है। तो जो एयर क्वालिटी का डिटेरियेशन होता है वो सिर्फ कैपिटल सिटी के अंदर नहीं होता है, आसपास की जो सिटीज है जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, यूपी से कुछ सिटीज है, हरियाणा से है, कुछ पंजाब से है, कुछ राजस्थान से, अलवर है जैसे, इन सिटीज के अंदर भी जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरियेट होती है। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि अगर एयर क्वालिटी का डिटेरियेशन देखा जाता है तो ग्रैप जो है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमने देखा था घर तक फाइबर स्कीम के बारे में, बिहार में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां पे जो रूरल एरियाज है वहां पे जो पंचायतें हैं वहां तक जो आपका फाइबर नेटवर्क होगा वो जाएगा, और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो एक बेटर तरीके से प्रोवाइड करी जा सकेगी, क्योंकि अभी आज के टाइम में भी और आगे आने वाले टाइम में भी जो काफी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज रहने वाली है, गवर्नमेंट की सर्विसेज रहने वाली है, वो आपको ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही दी जाएगी। तो यहां पे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने पर्ल रिवर एशुरी के बारे में पढ़ा था, कहां पे लोकेट करती है, कौन कौन से रीजन इंक्लूड होते हैं, और साथ में जो यहां पे एक डॉल्फिन हमने डिस्कस करी थी उसको, उसका जो स्टेटस था आईयूसीएन स्टेटस, वो भी ध्यान रखिएगा। यहां पे हमने वल्नरेबल जो था वो देखा था, और इसके तीन डिफरेंट नाम थे, पिंक और व्हाइट डॉल्फिन के तौर पे भी इसे जाना जाता है। फिर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखा था, डीआरडीओ एनपीएम का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, रिसेंटली जो सी वर्जन है उसको भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है आईएनएस चेन्नई के द्वारा। तो ये सब जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है एक पुरानी मिसाइल को लेकर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं और उसके अंदर नई स्टेटमेंट्स डाल दी जाती है प्रीलिम्स के अंदर, तो वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था स्किंक्स के बारे में, बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो जूलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, कोई नई जीव के आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर पूछ लिया जाता है, उसकी पर्टिकुलर संख्या के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे स्किंक्स जो था इसकी पॉपुलेशन के बारे में हमने देखा, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लिजर्ड होती है एक टाइप की, देख सकते हैं आप। देन इसके बाद क्वेश्चन था स्लिनक्स एक्सरसाइज के बारे में, इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, रिसेंटली कंडक्ट करी गई, इस वजह से न्यूज में थी, लास्ट टाइम कहां करी गई थी, विशाखापट्टनम में, इस बार करी गई है त्रिकोणमली के अंदर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था सी प्लेन प्रोजेक्ट के बारे में, अभी कहां पे आया, गुजरात के अंदर, जो लोकेशंस थी मैंने मैप के ऊपर दिखाई कहां कहां पे हम कनेक्टिविटी देने वाले हैं, तो जो टूरिज्म है पूरा का पूरा वो यहां पे बूस्ट होने वाला है। ऐसी ही चीजें आगे आने वाले टाइम में दूसरे स्टेट जैसे कि असम है, अरुणाचल है, और तेलंगाना है, अंडमान निकोबार है, वहां पर भी करी जा सकती है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यहां पर जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है वो है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। मेंस का आंसर लिखेंगे तो वहां पे जब रैंकिंग लिखेंगे ना अपनी कि इंडिया का रैंक ये है आउट ऑफ दीज मेनी कंट्रीज, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा मेन्स के हिसाब से। चांसेस प्रिलिम्स के अंदर पूछे जाने के डायरेक्टली रैंकिंग थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है, और अगर आपको फैक्ट्स पता है, अगर डेटा आपका करेक्ट है तो एक अच्छा ही इंपैक्ट पड़ता है। बाकी पीसीएस के लिए डेटा और फैक्ट्स तो हमेशा से ही एक पर्सनल फेवरेट रहे हैं, तो उस एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको नॉलेज के लिए ये चीज पता होनी चाहिए। मेंस का क्वेश्चन मैंने वहां पे डाला हुआ है, अभी एक दो दिन पहले ही डाला था, इसको प्लीज आंसर करिएगा आप। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो करेक्ट आंसर है वो चंद्रिमा नाग ने दिया है, तो चंद्रिमा आप हमें नेटमोक आईएएस के ऊपर बता दीजिएगा मेल करके कि आपको जो पीडीएफ आपने जीती है वो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा, जीरो भी आता है तो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो ये जीरो आप एडिट करके इसे 10 कर दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में आपके मार्क्स 10 से कम नहीं आने चाहिए। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो पीडीएफ है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर की मिल जाएगी, कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं @PrinceLuthra, आप सर्च कर लीजिएगा। चलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।